चलो सही है, तो फिर मैं भी नहीं आ रहा। क्यों भाई, एक प्लान में कितनी बार पलटी मारेगा, गोवा थोड़ी जा रहे हैं। अरे मैं स्टडी करवा दूंगा ना, हेल्प हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो, पेपर कर लेंगे अपन, तुम बस रिलैक्स करो। थैंक्स। आई एम वर्तिका रतावल। आई नो आई नो। एक्चुअली मैंने तुम्हारा नाम पहले सुना नहीं था, तो इसलिए फिर से इंट्रोड्यूस किया, सोचा कि तुम अपना नाम दोबारा बोल दोगे। तो नाम? वैभव रतावल। सॉरी, रतावल कैसे हो सकता हूँ, वैभव पांडे। टेम्परेचर जूल, मोल या कैलोरी में तो नहीं हो सकता, सो D25 सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ये क्वेश्चन थर्मो का था ही नहीं, कॉमन सेंस का था। एक ही दिन में सारा काम खत्म हो गया। हाँ, वो तो है, बाकी दिनों के लिए कुछ बचा ही नहीं। वैसे मैं तुम्हारा रिवीजन भी तो करा सकता हूँ। हाँ, मैं तो रिवीजन भी करा सकता हूँ, मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं किसी को कुछ भी याद करा सकता हूँ। मुझे ना ये सही नहीं लग रहा है। क्यों, तुमने एंजॉय नहीं किया क्या? मैं तुम्हें और अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, तुम्हें चाहिए ना, मैं जोक्स वोक्स भी मार सकता हूँ। व्हाट, वैसे तुम्हारा सेंटर कौन सा आया? सेंटर अभी आया नहीं, अभी आएगा, फॉर्म भरूंगा ना तो आएगा। तुमने अब तक फॉर्म नहीं भरा? नहीं, आज लास्ट डेट है। व्हाट, तुम भी वर्गो हो? हाँ, तुम भी? नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड था। ओह, आई मीन टू से कि सारे वर्गोस थोड़ी एक जैसे होते हैं, हाँ? कुछ वर्गोस होते हैं जो हार्ड वर्किंग होता है, कुछ होते हैं जो कंपैशनेट होते हैं, कुछ होते हैं लवर्स होते हैं, फ्रेंडली लवर्स। यार बहुत सुंदर घर है यार तुम्हारा। थैंक यू। कभी कभी लगता है यही शिफ्ट हो जाऊं, हाँ? पढ़ाई के लिए। सोचा था कि भाई होगा। अंकल भाई नहीं हूं मैं, तभी बोला हूं। चलो अंकल, आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। नहीं, क्लोज फ्रेंड। अरे जाओ यहां से, निकलो। नहीं नहीं आंटी को क्या प्रॉब्लम होगी, उधर तो रोज शिवांगी को लाता, मैं तो पहली बार लड़की को लाया हूं। क्या, आई मीन फ्रेंड। यार तुम बेकार ही परेशान हो रहे हो, मुझे अंदर तो आने दो। नहीं नहीं नहीं, बस अंदर बताना, दो मिनट प्लीज। कितनी प्यारी चीज है ग्रेविटेशन, सुंदर खुशबू है ग्रेविटेशन, दो अनजान बॉडीज का एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट होना, एक दूसरे के प्रति जिंदगी बिता देना। कौन ये क्या है? आज शुभ दिन है ना, तो ये शुभ होता है। ओके। दही खाओगी, नर्वसनेस गायब हो जाएगी। तो तुम भी तो खाओ, तुम्हारा भी तो एग्जाम है ना। हाँ, ओ मेरा भी तो एग्जाम है। वर्तिका, आज तुम जल्दी सो जाओगी ना? चैन से? हाँ, तुम भी? हाँ, मैं भी। भाई पढ़ाई भी बहुत रिलैक्सिंग होती है, बस पार्टनर सही होना चाहिए। मुझे लगा नहीं था कि तुम जाओगे, हम साथ में सही क्लिक कर रहे थे। ये लो। बाकी दही का क्या करोगी? डो वरी, बालों पे लगा लूं। छी याक। हाय, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। सॉरी यार, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, I'm sorry। अब क्या ना, बायू कचोरी? नहीं, क्यों, तुम अभी भी नाराज हो क्या मुझसे? सॉरी यार, मैं तुम्हें कॉल करके, मैं तलवंडी आने वाला था, बट मेरे फ्रेंड, बताऊंगा मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा ये सरप्राइज, आई लव्ड इट, थैंक यू थैंक। अगर आप मैच्योर लोगों की तरह बात कर लो ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैच्योर, ये ना दिख रही तुझे, एक दूसरे को पसंद करते हो लेकिन बोलोगे नहीं, एक ही क्लास में हो लेकिन आंख चुराते रहोगे, फिर कार में कॉम्प्लिकेट करके रखा है। सुनो,
आज डिसाइड करते हैं कि अगले 9 महीने क्या करना है, एक दूसरे को स्टॉक करना है कि वो किसके बाजू में बैठी है, वो किसके डाउट सॉल्व कर रहा है, या चुपचाप इज्जत में डेट करना है। अगर हाँ तो वो रहा कैफे, जाओ बात करो। मीना चल। थर्सडे आज मेरे मेस में ना एकदम फ्रेश तेल से भरी हुई सब्जी बनी होगी। SO2 से ज्यादा पंजेंट स्मेल होती है उस सब्जी की। यार मेरे इनऑर्गेनिक वाले जोक्स में ना तेरे अलावा कोई नहीं हंसता यार। ओले टेंशन मत ले, ऑर्डर कर, मैंने पैसे सेव किए। अरे यार लड़के अपनी फर्स्ट डेट पे लाउंज की टिकट बुक कराकर मूवी और पॉपकॉर्न में हजारों खर्च कर देते हैं, अपना इतना तो बनता है ना यार, कब तक दही और चीनी खाएंगे। वाह जी वाह, सरदर्द ने तो बड़ा जल्दी साथ छोड़ दिया आपका। बताएगी भाई क्यों नहीं? तुझे एग्जाम नहीं देना? अरे बोला तो जीतू भैया का एग्जाम है, दिन भर में कभी भी दे सकते हैं। हाँ पर हमारा ध्यान थोड़ी था, हमारा ध्यान तो सारा बहाना बनाने में था। ये मिनल तू भी टेस्ट नहीं दे रही है, तू उस पे फोकस करना, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से। ओ वाओ, इतना सारा तेल, मेस का ही। मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से पैक करके लाई थी। क्या पैकिंग है, वाह।